वृंदावन के महाराज ने बताया था, जया किशोरी का भविष्य हो गया सच, तो खुद बताई कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोक्ष पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए। जया किशोरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और कथावाचक हैं। वो लोगों को वीडियोज और सेशन के माध्यम से मोटिवेट भी करती रहती हैं। जया किशोरी इंटरव्यूज में अपनी पर्सनल लाइफ पर भी बात करती हुई नजर आती हैं। एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हुए जया ने इंटरव्यू में कहा, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल मानती हूं क्योंकि ये हमारा ही शास्त्र है। उसके बाद अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए जया किशोरी ने कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भजन पूरी तरह करना शुरू किया ही था उस समय हम किसी के घर कीर्तन के लिए गए थे तो वहाँ वृंदावन के एक बहुत बड़े महाराज भी आए हुए थे। पापा को और मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। हम भी दर्शन करने ही गए थे वहाँ, लेकिन जब हमने वहाँ भजन गाए तो उन्होंने बोला कि आपको मिलना हो तो बता दो। वहीं दर्शन के बाद पापा और मैंने उनके चरण छुए, हम बैठे रहे तो वो मुझे देखते रहे। जया किशोरी आगे ये भी कहती हुई नजर आई कि उन्होंने मुझे देखकर कहा कि लड़की कथा करेगी। मुझे उस समय पता तक नहीं था कि कथा क्या होती है। हम लोग वहां से चले गए। फिर जब मैंने पहली बार कथा की तब उन्हीं से पूछ कर की थी। पापा ने उनका पता निकाला और वहां गए थे। फिर पापा ने उनसे पूछा कि कैसे होती है, मर्यादाएं कैसी होती हैं, क्या नहीं होती। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट देखकर मेरे बारे में बात बता दी थी और जो सच साबित हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर जया किशोरी उन महाराज का नाम तो बताती हुई नजर नहीं आई, लेकिन वो कह रही हैं कि बचपन में ही ये भविष्यवाणी उन पर हो गई थी। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तुरंत मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट पाए।